के लिए 100% डाइट नहीं, 80% डाइट 20% एक्सरसाइज, क्योंकि हम जहां भी खाते हैं, हम घर में छुपे छुपे खाते हैं लेकिन दिखता तो बाहर है ही ना। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक अपने डाइट को मॉडरेट करो। आप शुरुआत कीजिए डाइट से। हम ये नहीं कहते स्क्वाट्स में कि क्या खाओ क्या मत खाओ, कैसे खाओ कब खाओ। आज स्क्वाट्स की अगर बात करें तो 29 स्टेट्स है, तो 29 अलग न्यूट्रिशन है हमारे पास, उसी के खाना। आपने सुना अभी कि गुजराती खाना को उन्होंने न्यूट्रिशियस बना के डाइट के हिसाब से खाने लग गई, यानी हमारे स्टेट में वो सब कुछ है, हमारे शहरों में वो सब कुछ है। कोई स्पेशल खाना नहीं होता, कोई स्पेशल डाइट नहीं होता। माँ के हाथ का खाना खा के ही मैं भी बड़ा हूँ, तब तो पता भी नहीं था कि न्यूट्रिशन क्या है डाइट क्या है। ऑटोमेटिकली खाने के बाद जब बॉडी रिएक्ट करने लगा, मुझे लगा कि हाँ यार इससे दूर रहूँ तो अच्छा है, इसे इन्वॉल्व करूँ तो अच्छा है, थोड़ी बहुत पढ़ के मैं कर लेता था, आज तो इट्स साइंस। लेकिन डाइट फॉर श्योर, एंड पंजाबियों के लिए डाइट 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 है ना। तंदूरी चिकन में क्या बात है, आपके सब्जियों में क्या बात है, साग में क्या बात है, सब कुछ है। बदलाव बटर चिकन से दूर रहिए, फिर कुछ कुछ चीजें आप उससे दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। स्क्वाट्स आई थिंक रेवोल्यूशन एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, और एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी एक कंपनी के साथ जुड़ना जो डेफिनेटली 70,000 ट्रांसफॉर्मेशन के बाद लगता है कि पूरे देश को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, विच इज़ फैंटेस्टिक। एक ऐसी हेल्थ जर्नी पे जहाँ लोगों को अपनी ज़िंदगी वापस मिल जाएगी, एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट स्क्वाट्स एम इज। देखिए मैं एम्बेसडर नहीं हूँ, मैं हिस्सा हूँ आज स्क्वाट्स का, इस टीम के जैसे एक और मेंबर ही हूँ, जहाँ हमारी कोशिश डेफिनेटली ये है कि हम बदलाव लेके आएंगे। किसी ब्रांड के साथ नहीं जुड़ता जब तक आई एम वेरी वेरी श्योर, और यहाँ इसीलिए जुड़ा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आईटी के साथ साथ, प्लेटफॉर्म के साथ साथ, जो नॉलेज बैंक है इनकी, इनके साथ जो ट्रेनर्स और प्रोफेशनल जुड़े हुए हैं, वो बहुत ही ज़्यादा काबिल है। तो देखिए सबसे पहले चीज़ तो मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग को ब्रांड एम्बेसडर की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वी आर ए थ्राइविंग कम्युनिटी। हमको एक ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जिसको लोग देखें, उससे सीखें और उनके कदमों पे चल सकें। अब सुनील सर की जब बात करते हैं तो सी ही इज़ 58, 58 ईयर्स में लोग सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं, एंड ही गोज टू द जिम, वर्क्स आउट एवरी डे, ईट्स राइट। सो इफ़ आई हैव टू टेल माई किड्स, और मुझे अगर अपने बच्चों को बताना है कि कैसा बनना चाहिए, कैसी लाइफस्टाइल रहनी चाहिए, so he is the man they will have to look up to. In fact, if I grow up, you know, मुझे भी लगता है कि 20-25 साल बाद if I am able to, you know, look like him and like as fit as him, that would be like a best part of my life. So we are not really looking for a celebrity as a face of the company. What we are looking for is a role model and a mentor. So he is a successful entrepreneur, he's been into fitness for so long, and I think with what we have achieved, what he has achieved so far, we'd be able to inspire a lot of people, and that's why he was the obvious choice. And I think also ke there's a synergy between the way we think as Squats and with Sunil sir, and more than that, he really believes in us that it's not just about fitness, but it's a community that we are supporting and building, which is about fitness and changing the world ultimately. So I can't think of anyone better to have our world. हाइड्रेटेड रहे लोग, सही कपड़े पहने, और धूप में जब बाहर निकलते तो ऑफ कोर्स सनस्क्रीन, सनब्लॉक, यार अपने आप को जितना हो सके बचा के करे, और जो भी करते सोच समझ के। राइट ईटिंग भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जैसे एक्स्ट्रा स्पाइसी या एक्स्ट्रा ऑयली खाना मैं अवॉइड करने के लिए कहूँगा, और यस हाइड्रेटेड अपनों को, अपने बच्चों को, और ख़ास करके सीनियर सिटीजन्स को, सीनियर मेम्बर्स को घर में हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक आहान से मैं सीखता हूँ नई तरीके, नई तौर तरीके फिट रहने का। एक एथलीट है, और आई एम हैप्पी दैट ही इज़ डूइंग वेल इन वॉट एवर ही इज। चीट डे पे कुछ भी खाता हूँ, लेकिन लिमिट में खाता हूँ। मुझे पता है कि क्वांटिटी अगर मैं कंट्रोल करूँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, एक्सेसिव कभी नहीं खाता। और अगर मैं संडे को खाना खा लूँ या सैटरडे को खा लूँ, मैं मंडे को जिम कभी नहीं छोड़ता। दुनिया उल्टी हो जाए, मैं मंडे को जिम ज़रूर करता हूँ, क्योंकि मंडे छूट जाए तो वीक छूट जाए। 3 दिन से ऊपर मैं गैप कभी नहीं लेता जिम में, यू नो। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट आई कीप इन माइंड।
और 3 से 5 बार हफ्ते में ट्रेनिंग करता ही हूँ, तो इसमें क्या हो जाता है, अगर मेरे हाई और लोज भी आए बैलेंस कर जाते, मैं डिटीरियरेट नहीं होता. डिटीरियरेशन के बाद ऊपर चढ़ना बहुत ही मुश्किल है, तो आई कीप माई सेल्फ एट वन गो. ऑफकोर्स कभी कभी मेरे हाईज होते हैं लेकिन लोज को मैं अवॉइड करता हूँ. देखिए, स्पोर्ट से बड़ा कुछ नहीं है. मैं अगर सबसे ज़्यादा इन्जॉय करता हूँ तो खेलना कूदना पसंद करता हूँ. ज़िंदगी में हमेशा बनना चाहता था क्रिकेटर लेकिन बन नहीं सका, लेकिन आज भी वो स्पोर्ट का बहुत मज़ा लेता हूँ. जिम जाता हूँ क्योंकि इट हेल्प्स मी टोन, इट गिव्स मी दैट मेंटल फिटनेस. लेकिन आज भी इस उम्र में क्रिकेट जब खेलता हूँ तो फील्डिंग ज़्यादा करता हूँ. बैटिंग पर ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा लेकिन ये देखता हूँ कि 20 ओवर फील्डिंग कर सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि उसमें मुझे पता चलता है कि मैं कितना फिट हूँ, यू नो. और ऑफकोर्स आजकल बॉल जब निकल जाता है और पीछे दौड़ता हूँ तो लगता है यार बॉल आजकल फास्ट इतना क्यों जाने लग गया है, भूल जाता हूँ कि मैं स्लो हो गया हूँ. लेकिन आई एम कॉन्शियस अबाउट ऑल दैट एंड आई लव टू प्ले अ स्पोर्ट. तो यही वेलनेस का आप लोगों के भी लिए है. आप सबने हाथ ऊपर ज़रूर किया है.